सब्सक्राइब कीजिए टेक स्काई चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक से जुड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू टेक स्काई दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्काई पे। और दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे डे बाय डे दिन प्रतिदिन इंटरनेट का यूज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वैसे ही दोस्तों इसके अच्छे और बुरे फीचर भी साथ में बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें एक नाम आता है हैकिंग। दोस्तों टेक्नोलॉजी की इस दौर में हम मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते ही करते हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा जनता जो होती है वो इंटरनेट का यूज़ करती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि कोई भी दूर से ही घर बैठे आपके कंप्यूटर मोबाइल या वेबसाइट का सारा डाटा कॉपी पेस्ट या डिलीट कर सकता है? हाँ दोस्तों, या फिर आपकी ईमेल, फेसबुक, ट्विटर के से सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। और दोस्तों जब भी वह इनमें लॉगिन करता है तो सिंपल सी बात है, उसके पास आपका सारा अधिकार है और वो आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका गलत उपयोग भी कर सकता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हैकिंग, और जो दोस्तों इस काम को अंजाम देते हैं उनको हैकर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हैकिंग का इस्तेमाल सिर्फ गलत कामों के लिए होता है, इसका काम अच्छे कामों के लिए भी होता है। दोस्तों इसका उपयोग सिर्फ सिक्योरिटी तोड़ने में ही नहीं, सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों इसी आधार पर हैकर्स की तीन कैटेगरीज बांटी गई हैं, जिनमें एक आता है ब्लैक हैट हैकर, एक होता है ग्रे हैट हैकर और एक होता है व्हाइट हैट हैकर। दोस्तों मैं वन बाय वन आपको इन तीनों कैटेगरीज को समझाता हूँ। जो पहला आता है वो आता है ब्लैक हैट हैकर। दोस्तों ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंप्यूटर मोबाइल के डाटा की इंटरनेट सिक्योरिटी को तोड़ करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। दोस्तों इनका मकसद गलत होता है। अब दोस्तों आप सोचो कि ये हैकिंग करके इनको क्या मिलता होगा। दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि इनका मकसद गलत होता है। ये जैसे ही आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हैक करते हैं तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके पास में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके कंप्यूटर मोबाइल या लैपटॉप में आपकी फैमिली फ़ोटोज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। और दोस्तों मान लीजिए आपने कभी किसी वेबसाइट से इमेज, गाना या वीडियो वगैरह अगर डाउनलोड की है तो उसके साथ में एक वायरस भी आ जाता है, जो वायरस आपकी इन्फॉर्मेशन को हैकर तक पहुंचाता है। और दोस्तों हैकर चाहे तो आपके कंप्यूटर को लॉक कर सकता है या आपके सारे डाटा को वो चुरा सकता है, उस पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों अगर आपको अपनी इज्जत बचानी होती है तो वो जितनी भी आपसे फिरौती की रकम मांगते हैं आपको उतनी देनी पड़ती है। तो दोस्तों यही जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। अब दोस्तों जो दूसरा नंबर आता है वो आता है ग्रे हैट हैकर का। दोस्तों ग्रे हैट हैकर वो होते हैं जिनका मकसद गलत नहीं होता है, लेकिन ये किसी प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट के लिए किसी चीज़ों को हैक करते हैं, तो ये ग्रे हैट हैकर के तहत आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये किसी की इजाज़त के बगैर हैकिंग करते हैं तो ये भी ब्लैक हैट हैकर में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा भी करते हैं और बुरा भी। तो अब जो तीसरा नंबर आता है वो आता है वाइट हैट हैकर, या फिर एथिकल हैकर भी कह सकते हैं। दोस्तों जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो किसी भी हैकिंग को इजाज़त लेकर के करते हैं, या किसी कंपनी या किसी की मदद करने के लिए कानूनी रूप से काम करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं को व्हाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर भी कहा जाता है, जो कि काम आपका इजाज़त लेकर के करते हैं। दोस्तों पुलिस हो गई, सीबीआई, आईबी जैसे सरकारी संगठन, या आईटी कंपनियां, या फिर सोशल वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट, पेपॉल, या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बहुत ही सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखने के लिए बहुत सारी बैंकों को एथिकल हैकर की ज़रूरत होती है। दोस्तों अभी भी कई सारे हैकर जो हैं इस पे बड़ी सैलरी पैकेज पे बैंकों में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी बनना है तो आप एथिकल हैकर ही बनिएगा दोस्तों। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ कि जो वाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर होते हैं, ये जिसकी भी हैकिंग करते, मान लीजिए किसी भी कंपनी या किसी भी सोशल वेबसाइट की अगर ये हैकिंग करते हैं तो उसकी पूरी रिपोर्ट इसके मालिक को देते हैं, और दोस्तों ये सिक्योरिटी को और मजबूत भी कर देते हैं, इससे कोई और हैकर आपकी सिक्योरिटी को हैक ना कर सके। दोस्तों आई होप आपको तीनों कैटेगरीज समझ में आ गई होंगी। दोस्तों लास्ट में सिंपल बस यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों कभी भी किसी भी वेबसाइट से अगर आप कोई डाटा डाउनलोड करते हैं तो किसी जेन्युइन वेबसाइट से ही डाटा डाउनलोड कीजिए, जिससे कि वो हैकर अपना वायरस ना भेज सके आपके फ़ोन में किसी वीडियो या गाने के ज़रिए और आपकी प्राइवेसी हैक ना हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हैकिंग से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।